मैं लक्षित सोलंकी, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए लास्ट 45 डेज स्ट्रेटजी फॉर नीट 2022 स्टूडेंट्स, ताकि आप स्कोर कर सके एटलीस्ट 620 प्लस इन नीट 22। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, मतलब हमारे बीच में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका कोर्स बहुत सारा इनकम्प्लीट होगा, मतलब लेस देन 50% भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे होंगे जिनका 90% कंप्लीट होगा, और कुछ तो ऐसे होंगे जिनका 100% कंप्लीट होगा। तो वो लोग जिनका 90% कोर्स हो रखा है और कुछ ही बचा है, तो वो पहले उसे कंप्लीट करें। जिसका 50% या उससे कम है, वो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें। अब आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए आपको करना है लास्ट 5 इंपॉर्टेंट पेपर्स, नीट 2021 का पेपर, नीट 2020 का पेपर, नीट 2020 का कोविड वाला पेपर, नीट 19 का पेपर, और एक नीट 19 का ओडिशा वाला पेपर। ये 5 जो पेपर्स हैं, ये NCERT बेस्ड ज़्यादा हैं, तो आपको इन्हें करने से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, NCERT में कहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कीजिए। देन अभी आपके JEE मेंस के पेपर भी आने वाले हैं, मतलब हमेशा नीट से पहले ही होते हैं JEE मेंस के, तो शायद डेट है 20 जून से 29 जून कुछ है, तो उसके केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन ज़रूर आप सॉल्व करके जाएँ, केमिस्ट्री स्पेशली, क्योंकि वो NCERT बेस्ड आएंगे, तो आपको एक और आइडिया मिल सकता है कि NCERT में और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर करके जाए जितने भी पेपर्स हों। हमारे टाइम में जैसे लास्ट ईयर 8 पेपर्स हुए थे, तो वो सारे आप करके ज़रूर जाइए, और फिजिक्स का भी करके जाइए। फिजिक्स का वैसे लेवल JEE और नीट का थोड़ा आगे पीछे होता है, पर फिर भी आप ज़रूर करके जाएँ, एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे आपको। देन फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो मेरी भी वैसे वीक ही थी, मतलब जैसे एवरेज स्टूडेंट की होती है, दोनों को फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों से ही डर लगता है, तो इसके लिए मैंने किया था लास्ट टाइम में फिजिक्स वाला, इसका जो फ्री क्रैश कोर्स चला था, तो मैंने इसके वीडियोस देखे थे। फिजिक्स में मैंने 80-90% सारे वीडियोस देखे थे, उसमें भी वो पहले देखे थे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के पहले देखे और बाकी बाद में देखे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही किया मैंने, मोस्टली सारे वीडियोस देखे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, क्योंकि नहीं आती थी। मुझे लगता है आप लोग फुल कोर्स टेस्ट ज़रूर दे रहे होंगे, आपको 45 डेज तक फुल कोर्स टेस्ट रोज़ देने हैं, रोज़ उसका एनालिसिस करना है। ट्राई करें आपके जो टेस्ट सीरीज़ है वो NCERT बेस ज़्यादा हो केमिस्ट्री और बायो में, फिजिक्स में चलता है बाहर का भी। देन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग NCERT एग्जाम पर ज़रूर करें, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक तीनों के लिए, क्योंकि NCERT एग्जाम पर के क्वेश्चन भी बिल्कुल NCERT बेस्ड हैं, तो हो सकता है मतलब कोई भी क्वेश्चन कब उठ के आ जाए नहीं कह सकते हम, तो ज़रूर करके जाएँ आप NCERT एग्जाम्पलर। देन टेस्ट के टाइमिंग की बात करते हैं, आपके इस साल शायद 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 3 या 20 मिनट्स का पेपर होगा, पर आप ट्राई करें कि आप 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो 2 to 5 होता है आप डेली उसी टाइम पर पेपर दें और 3 आवर्स में कंप्लीट करने का ट्राई करें, ताकि ये जो 20 मिनट्स आपके बच रहे हैं, ये आपको नीट के पेपर में एक्स्ट्रा एज अ मार्जिन मिल जाए। टाइम शेड्यूल अगर हम बात करें, तो जो आपको डेली मतलब पढ़ना है, आपको तीनों ही सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, बायोलॉजी में भी इक्वल आपको सब सारे चैप्टर रिवाइज़ करने हैं, केमिस्ट्री में मैंने बताया था आप शॉर्ट नोट्स भी ज़रूर ट्राई करें बनाने का, और फिजिक्स में तो जैसे मैंने बताया आप लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, फिजिक्स वाला के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं, लास्ट ईयर थे, तो इस बार ज़रूर ट्राई करें, वो प्लेलिस्ट आपको अभी भी मिल जाएंगी यूट्यूब पर। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर स्लीप एंड हेल्थ, प्रॉपर आप मतलब हेल्दी खाना खाइए, ताकि आपकी हेल्थ सही रहे, आप रोज़ पढ़ाई कर सकें, और प्रॉपर स्लीप एटलीस्ट 6 आवर्स की तो इम्पॉर्टेंट है, तो इससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, थैंक यू।